नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, स्वरों का वर्गीकरण मैंने आप लोगों के समक्ष साझा किया, तो आज भी स्वरों का वर्गीकरण जो पार्ट टू और सेकंड थर्ड बच गए थे उसको लेकर आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा और इसे फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो उस दिन मैंने स्वर को बताया था आप लोगों को कि स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली एक इकाई है जो हिंदी वर्णमाला से संबंध रखती है। स्वरों का वर्गीकरण दूसरा पार्ट्स मैंने आपको बताया था कि जीभ के प्रयोग के आधार पर तो इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग है अग्रस्वर, याद रखेंगे पहला भाग अग्रस्वर है, दूसरा भाग इसका है मध्य स्वर, और तीसरा भाग जो है वो पश्च स्वर है। याद रखेंगे, यहां देखेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर, यानी जब हमारी जुबान, जब हम लोगों की जुबान कार्य करती है या उच्चारण करती है तो वो किस प्रकार से उच्चारण करती है ये दिखाया गया। तो सबसे पहले अग्रस्वर होता, यानी अग्रस्वर का डिफिनेशन हो जाएगा जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। इसे देखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। और ये अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं ई, ई, ए, ऐ। याद रखेंगे, जिसको हम साधारण भाषा में छोटी, बड़ी, ए और ऐ बोलते हैं, वो क्या होते हैं? अग्रस्वर होते हैं। किसके आधार पर? जीभ के प्रयोग के आधार पर। दूसरा होता है मध्य स्वर, याद रखेंगे दूसरा होता है मध्य स्वर। मध्य स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग, यानी मध्य मतलब होता है बीच का भाग, जब बीच का भाग काम करता है तो वो मध्य स्वर होता है। और मध्य स्वर हिंदी वर्णमाला में एक होता है जो है आ, साधारणतया आ मध्य स्वर है। और तीसरा स्वर जो होता है वो होता है पश्च स्वर। फिर से याद रखेंगे, तीसरा स्वर पश्च स्वर होता है, और पश्च स्वर की परिभाषा होती है जिन स्वरों के उच्चारण करते समय जीभ का पश्च भाग, पश्च मतलब पिछला भाग काम करता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। इसमें आता है आ, ऊ, ऊ, ओ और अ। याद रखेंगे, ये पश्च स्वर है जो हिंदी वर्णमाला में आते हैं, और किसके आधार पर? जीभ के प्रयोग के आधार पर। तो ये दूसरा था स्वरों का वर्गीकरण जीभ के प्रयोग के आधार पर। तो आप लोगों को बता दिया गया कि अग्रस्वर होता है, मध्य स्वर होता है और पश्च स्वर होता है। दूसरा तीसरा पार्ट जो था मुख द्वार के खुलने के आधार, तीसरा हमारा पॉइंट था मुख द्वार के खुलने के आधार पर। याद रखेंगे, इसको चार भागों में वर्गीकृत किया गया है, चार भागों में। पहला है विवृत, विवृत साधारण सा शब्द है हिंदी भाषा का। विवृत अधिकतर लोग नहीं समझ पाते हैं विवृत का मतलब क्या होता है, तो इसलिए मैंने इंग्लिश लिख दी है ओपन। ओपन मतलब खुलना, यानी विवृत का मतलब क्या होता है? खुलना। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख द्वार पूर्ण रूप से खुला रहता है उसे हम कहते हैं विवृत स्वर। याद रखेंगे, विवृत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण करते समय मुख द्वार पूर्णतया पूर्ण रूप से खुला होता है उसे हम विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ, जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख द्वार पूर्ण रूप से पूरा खुल जाता है। दूसरा जो है इसमें है अर्धविवृत, अर्धविवृत मतलब हाफ ओपन, अर्थात आधा खुला और आधा बंद। तो अर्धविवृत डिफिनेशन वही होगी कि जिन स्वरों के उच्चारण करते समय हमारा मुख द्वार लगभग आधा खुला रहता है उसे हम अर्धविवृत स्वर कहते हैं, जिसे आ, ऐ और औ। याद रखेंगे, ये तीनों स्वर क्या है हमारे? अर्धविवृत स्वर है। अर्धविवृत स्वर कौन कौन से हैं? आ, ऐ, औ। तीसरा पॉइंट देखेंगे अर्ध संवृत,
अब सोच रहे होंगे समृद्ध का मतलब क्या, समृद्ध का मतलब होता है बंध, समृद्ध का मतलब होता है बंध, तो अर्ध समृद्ध लिखा हुआ है, अर्ध समृद्ध का मतलब हो गया हाफ क्लोज अर्थात आधा बंद। जब वो मुख द्वार हमारा लगभग आधा बंद रहता है तो वो क्या होता है, अर्ध समृद्ध स्वर कहलाते हैं। और ये स्वर दो होते हैं, ये और वो, ये और वो, बोलते समय हमारा मुख द्वार जो है वो आधा बंद रहता है। चौथा जो हमारा है वो है समृद्ध, समृद्ध का मतलब होता है क्लोज, और क्लोज का मतलब क्या होता है बंद रहना, तो लगभग मुख द्वारा हमारा बंद रहता है, हमारा मुख द्वार लगभग जिन स्वरों के उच्चारण करते समय हमारा मुख द्वार लगभग बंद रहता है उन्हें हम समृद्ध स्वर कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण करते समय हमारा मुख द्वार लगभग बंद रहता है उन्हें हम समृद्ध स्वर कहते हैं। और ये समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, ई ई उ, साधारण भाषा में इसको छोटी बड़ी छोटाऊ और बड़ा बोलते हैं, ठीक। तो ये था मुख द्वार के खुलने के आधार पर, तो स्वरों का वर्गीकरण तीन आधार पे था, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर जो पिछले वीडियो में दिखाया गया था, दूसरा है जीभ के प्रयोग के आधार पर, तीसरा है मुख द्वार के खुलने के आधार पर। और मैंने बताया था आप लोगों को कि स्वर का हम जो है आपको उच्चारण स्थान भी बता देंगे कि स्वर का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है, मुख के किस किस पार्ट से, किस किस भाग से जो है इसे बोला जाता है। तो आइए देखते हैं स्वरों, स्वर का जो है उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो जैसे छोटा है, बड़ा है और अहा, इन तीनों स्वरों का उच्चारण कंठ से होता है, कहाँ से होता है कंठ से होता है, हमारे कंठ से सीधे जो है इनका उच्चारण होता है। और फिर छोटी बड़ी जो होती है वो तालु से होती है, जिसको तालव्य बोलते हैं। फिर छोटाऊ और बड़ाऊ है जो होस्ट की सहायता से बोले जाते हैं, होस्ट मतलब हमारे होठ की सहायता से बोले जाते हैं, वो है छोटाऊ और बड़ाऊ। री जो संस्कृत वर्ण है, पिछले वीडियो में भी बताया था फिर बता रहे हैं, री संस्कृत वर्ण है जो मूर्धा से बोला जाता है, हमारे मुख द्वार में मूर्धा होता है, मूर्धा से इसकी आवाज आती है। और ए और ए का उच्चारण होता है कंठ प्लस तालु से, कंठ गला और तालु जब दोनों आपस में मिलते हैं तब इनका उच्चारण हम कर पाते हैं। और ये ओ और औ का उच्चारण स्थान ओष्ट और कंठ की सहयोग से किया जाता है, ओष्ट और कंठ की सहायता से किया जाता है। और अंग का उच्चारण स्थान नासिका से होता है, नासिका मतलब नाक से, जब हम अंग का उच्चारण करते हैं तो सीधे हवा जो है फेफड़े से चलकर हमारे नाक से होकर बाहर निकलती है। तो ये स्वरों का वर्गीकरण था, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, धन्यवाद।